नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी लेकर के आया हूं और ये जो वैकेंसी आई हुई है बाल भारती स्कूल से आई हुई है दोस्तों तो इस वैकेंसीज़ के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वैकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो बी कर चुके हैं तो चलिए इस वैकेंसीज़ के डिटेल्स हम जानते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी जो आई हुई है बाल भारती स्कूल से आई हुई है और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन एज पर सी नॉर्म के अनुसार होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं तो प्रीफर किया जाएगा सब्जेक्ट जो है पीजीटी में साइंस एंड कॉमर्स सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है साथ ही साथ जोग्राफ़ी हिस्ट्री इंग्लिश कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी कम काउंसिलर की वैकेंसी है जिसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री विथ बी होना चाहिए दोस्तों टीजीटी में आपका इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस और साइंस की वैकेंसी है मास्टर या बैचलर डिग्री विथ बी और सी है तो प्रिफर किया जाएगा पी में भी सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है साथ ही साथ आर्ट एंड डांस की वैकेंसी है आपका बैचलर डिग्री विथ बी या डी होना चाहिए लैंग्वेज में जर्मन फ्रेंच और स्पेनिश की वैकेंसी है इसके अलावा स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसी है कंटेंट डिजाइनर की वैकेंसी है दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे डब्ल्यू पर जाना है उसके बाद करियर वाले सेक्शन पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बाद जो डिटेल रिज्यूम आपका डाउनलोड होगा या फिर रिज्यूम जो है आप उसको सेंड कर देना है आपके पास अगर कोई रिज्यूम है अपना तो करियर एट द रेट बी जी एच डॉट बाल भारती डॉट एन ई टी पर दोस्तों दस दिनों के अंदर अप्लाई करना है ये आज की वैकेंसी है तो आज से दस दिन आप जोड़ लें तो अच्छी वैकेंसी है आप फिल करें फिल करने संबंधित समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद